नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भारत बंद का मिला जुला असर, कई जिलों में प्रदर्शन और चक्का जाम। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिखने को मिला। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वामदल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस बीच धनबाद में भाकपा माले समर्थकों ने पहाड़ी गोड़ा के पास सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। बोकारो में बरवा अड्डा स्थित जीटी रोड के पास चौक को बंद समर्थकों ने जाम लगा दिया। साहेबगंज में भी स्टेशन चौक पर रेलवे फाटक को बंद कर सड़क यातायात ठप कर दिया। पाकुड़ में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। जमशेदपुर के पूरे कोलाहान प्रमंडल में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के समर्थन में झामुमो और कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ बाजार में घूम घूम कर दुकानें बंद करवा रहा है। घाटशिला, चायबसा, चक्रधरपुर में भी बंद का असर देखा जा रहा है। लंबी दूरी की बसें नहीं चल रही है, दुकानें और बाजार बंद है। बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर निकल आए हैं। वहीं देवघर जिले के चित्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता की अगुवाई में नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बंद का समर्थन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। झारखंड के पीएलएफआई से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई उग्रवादियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कई हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बांदूर पंचायत के टेमना गांव में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के पीएलएफआई के उग्रवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उग्रवादी सुप्रीमो दिनेश गोप, संतोष कंडोलना दस्ते के साथ खुट्टी जिले में तैनात सीआरपीएफ 94 और कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मुख्यालय को भी अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हथियार और कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान जारी है। चक्रवात गुलाब के असर से झारखंड के कई हिस्सों में हुई है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने गुलाब चक्रवात का असर झारखंड में रविवार को शाम से ही दिखने लगा। शाम 5 बजे के बाद आसमान में घने बादल छा गए। इस दौरान राजधानी रांची समेत कई स्थान पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबूंदी भी हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक चक्रवात के असर से बादल बैंड के तटीय इलाकों को छूते ही झारखंड में इसका प्रभाव दिखने लगा। उन्होंने बताया कि देर रात तक राज्य के उत्तर और मध्य भाग समेत कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 20 साल के बाद सितंबर माह में यह तीसरा चक्रवात बना है। झारखंड में 29 और 30 सितंबर को कई जगह भारी बारिश के आसार हैं। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की वजह से होगा। नवीनतम मौसम विज्ञान अवलोकन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से सोमवार को लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके बाद यह डिप्रेशन में बदल जाएगा। अगर डिप्रेशन और गहरा होकर डीप डिप्रेशन में बदला तो दक्षिण पश्चिम हिस्से से बरसने वाले घने बादल का समूह झारखंड की ओर आने लगेंगे। इससे राज्य के दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां तथा मध्य भाग रांची, खुट्टी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ और इसके आसपास के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आदिवासी हितों पर आज बड़ा फैसला लेने जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस, राजद और अन्य दलों की ओर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वे जनजातीय परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक के बाद इसका ऐलान भी कर देंगे। नए नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदात्री समिति यानी TAC की दूसरी बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन से लेकर जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के लिए कुल 11 एजेंडे तय किए गए हैं। बैठक में आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनने में आने वाली समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढा जाएगा तथा आदिवासियों को बैंकों से ऋण लेने में आने वाले अड़चनों को दूर करने पर भी विचार की जाएगी। बैठक में आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर भी निर्णय होने की संभावना है। स्कूली बच्चों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य मिलने का मिला मौका। जाना कैसे विज्ञान को बनाए करियर का विकल्प। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर में चल रहे वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू होने का मौका धनबाद के स्कूली छात्र छात्राओं को मिला। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान परिसर में आमंत्रित किया गया था।
इस दौरान छात्र छात्राओं ने सिम्फर के विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशाला का भ्रमण भी किया। साथ ही विज्ञान को करियर का विकल्प चुनने से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की। CSIR स्थापना दिवस के मौके पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य पद्मश्री हर्ष के गुप्ता स्कूली छात्र छात्राओं से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने भूकंप से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। देश में अब तक आए अलग अलग जगहों के भूकंप और उनसे हुई जान माल की क्षति के बारे में बताया। इसके साथ ही भूकंप के बारंबारता को कम करने का उपाय भी सुझाए। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई। लोहरदगा के कुडू में ट्रैक्टर जब्त। बालू के अवैध उठाव और परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कुडू में कार्रवाई की गई। कुडू अंचलाधिकारी प्रवीण कुमासी ने अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त ट्रैक्टर को कुडू थाना परिसर में रखा गया है। इस मामले में ट्रैक्टर के मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुडू प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग बालू घाट से बालू के अवैध परिवहन और उठाव की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी की वजह से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था बल्कि निर्देशों और नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कुडू अंचल अधिकारी प्रवीण कुमासी ने कुडू थाना क्षेत्र के उमरी बालू घाट पहुंचकर छापेमारी की। यहां पर बालू का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त ट्रैक्टर को कुडू थाना परिसर में रखा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।